नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात नारायणपुर के आईटीबीपी के दो जवान शहीद हुए हैं। अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और ब्लास्ट की चपेट में चार जवान आए थे। दो घायल जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो घायल जवानों का अब भी इलाज जारी है। सर्चिंग कर लौट रही थी जवानों की टीम, उसी दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ जिसके शिकार चार जवान हुए। दो शहीद हो गए हैं, दो का इलाज अब भी जारी है। तो आईटीबीपी के दो जवान शहीद हुए हैं। बता दें, अबूझमाड़ के मोहंदी में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था और इसकी चपेट में चार जवान आए थे। दो घायल जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो घायल जवानों का इलाज अब भी जारी है। सर्चिंग करके लौट रही थी जवानों की टीम, उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, जानकारी मामले में। खेम नारायण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? खेम नारायण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आईटीबीपी के दो जवान शहीद हुए हैं, चार घायल हुए थे ब्लास्ट में और इलाज के दौरान दो ने दम तोड़ दिया और दो का इलाज अब भी जारी है। सर्चिंग करके लौट रहे थे ये जवान, उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आए और बुरी तरह से घायल हुए। दो की मौत, दो शहीद हुए हैं और दो की हालत नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज जारी है। तो मोहंदी में ये ब्लास्ट हुआ है, नक्सलियों ने ये ब्लास्ट किया है और इसकी चपेट में जवान आए, चार जवान आए और दो ने दम तोड़ दिया और दो का इलाज अस्पताल में जारी है। तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है नक्सलियों की। लगातार बौखलाहट नक्सलियों के कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरह से नक्सली बार बार नाकामयाब कोशिश जो है कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, इसी वजह से बौखलाहट लगातार उनकी सामने आ रही है। अब आईईडी ब्लास्ट किया गया है जिसमें चार जवान प्रभावित हुए, अब दो घायल हैं बुरी तरह से और दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सर्चिंग के बाद ये जवान लौट रहे थे, उसी दौरान शिकार हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे, खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, जानकारी मामले में। जी देखिए, आज जो नारायणपुर के मोहंदी के जंगल में जिस प्रकार से आईडी ब्लास्ट की खबर निकली थी और चार जवानों की पहले घायल होने की बात कही गई थी, तो नारायणपुर के एसपी ने दो जवानों को घायल होने की पुष्टि की थी। उसके बाद जो है अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि आईटीबीपी के जो दो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और दो नारायणपुर जिला पुलिस बल के जो जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50।